हजरत अब्दुल्ला बिन मुअफ्फन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे एक रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बु, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मुझे आपसे प्यार है। जब उसने ये बात कही तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़ुर माज़ा तकूल, क्या तू जानता है क्या कह रहा है, दोबारा देख क्या कह रहा है। अब वो दोबारा, वो शख्स जो था उसने दोबारा की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बु, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह की कसम खाता हूं मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे इश्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी दफा फरमाया, उन्ज़ुर माज़ा तकूल, तू क्या कह रहा है दोबारा देख जरा। अब तीसरी दफा फिर वो अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे इश्क है, मुझे आपसे मोहब्बत है। जब उसने की शख्स ने तीसरी दफा जब बात ये बात कही तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई, उन्ज़ुर माज़ा तकूल, और जब ये बात फरमाई तो फरमाया कि जब तूने मोहब्बत का दावा कर लिया है, इश्क का दावा कर लिया है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर मोहब्बत के लिए तैयार हो जा। मोहब्बत तो इम्तहान भी लिया करती है, मोहब्बत तो इम्तहान में भी डाला करती है, फिर भूख के लिए, तंगदस्ती के लिए और तकालीफ के लिए तैयार हो जा, और फाका कशी के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तूने मोहब्बत का ऐलान किया है और मोहब्बत का दावा किया है, तो मोहब्बत जो है फिर ये इम्तहान भी लिया करती है। जरा देखिए मोहब्बत किस तरह से इम्तहान लेती है कि हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नामे नामी कौन नहीं जानता, बहुत ही अजीम सहाबियों में से सहाबी हैं, बहुत ही मोतबर सहाबी हैं हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जरा गौर कीजिएगा कि आप एक मक्का के सरदार के बेटे हैं और इतने लाड के साथ, नाजो नखरों के साथ आपको पाला गया कि जब आप एक दफा एक सूट पहन लिया करते थे, दोबारा आपके वालदैन वो सूट नहीं पहनने दिया करते थे। आपकी ऐसी शहाना जिंदगी थी, आपके पास बहुत सारा माल उजर था, बहुत दौलतमंद बाप के बेटे थे और शहाना जिंदगी बसर कर रहे थे, खाना भी इस तरह का था, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा अलैहि सलातु व सलाम से एक दिन आंख लग गई। मुस्तफा से जब आंख लगती है, वह दुहा के चेहरे को देखता है, वह लई की जुल्फों को देखता है, आमीन के कुंडलों को देखता है, वहां रमाई तई रमाई तवला की नल्लाह रबा की शान को देखता है, यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों को देखता है, तो मुस्तफा को दिल दे बैठता है और मुस्तफा के वक्त दुहा के चेहरे पे मर मिटता है और मोहब्बत का असीर हो जाता है, मोहब्बत का कैदी हो जाता है और मुस्तफा की बारगाह में आ जाता है और कहता है, या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जब हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया, मैं कुर्बान जाऊं जब उनके वालदैन को पता चला, उन्होंने हर एक चीज को बंद कर दिया, वो शहाना जो जिंदगी थी उस पर पाबंदियां लग गई, वो शहाना जो खाने थे पाबंदियां लग गई, कैद में रख दिया गया। लेकिन हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप उसी बात पर डटे रहते हैं। आपकी वालदा ने एक दिन ये सोचा कि मैं खाना पीना छोड़ देती हूं और वो इस बात को जब सुनेंगे, मेरा इकलौता बेटा है, उसको तकलीफ होगी और वो इस बात से भिर जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपने चेहरे को मोड़ लेगा, हमारी तरफ दोबारा आ जाएगा। जब उसकी मां ने ये प्लान किया तो आप देखिए कि हजरत मूसा बिन उमैर को जब ये बताया गया ना, तो कहा कि मां मुझे तकलीफ तो जरूर है, मुझे परेशानी तो जरूर है कि तू खाना नहीं खा रही, इस चीज का दुख तो जरूर है, लेकिन जो तू चाहती है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दूं तो ये मुमकिन नहीं है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। अरे हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके लिए बहुत से कबीलों से, बहुत से जो कबीले के सरदार होते थे उनकी बेटियां जो हैं वो निकाह की दावत के लिए और आपके साथ दिल लगी के लिए पैगाम भेजा करते थे, लेकिन आप किसी को भी अपनी खातिर में ना लाते थे। हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने ये शहाना जिंदगी बसर की, उनके वालदैन ने ये एक दिन तय कर लिया कि अब ये हमारे हाथों से निकल चुका है, लिहाजा हम इसे अपने से दूर कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। हजरत मूसा बिन उमैर को घर से निकाल दिया गया। हजरत मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह हो वो जो शहाना लिबास पहना करते थे, वो जो शहाना खाने खाया करते थे, आपके पास
दो कपड़े भी मौजूद न थे कि जिनके साथ आप एक मेढ़े का जो खाल थी उसके साथ आपने अपने बदन को लपेटा हुआ था और वहां से चलते हैं मेरे मुस्तफा की बारगाह की तरफ चलते हैं, लजपाल आका की बारगाह की तरफ चलते हैं, जिनके मोहब्बत और जिनके इश्क के में वो असीर हो चुके थे, जिनके इश्क में वो इतना कुछ हार चुके थे। यकीनन मैं कहता हूं कि ये हारे नहीं थे बल्कि जीत चुके थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को उन्होंने पा लिया था। मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिएगा, जरा इस बात पर तवज्जो दीजिएगा, जब वहां से निकलते हैं मेरे मुस्तफा की बारगाह की तरफ चलते हैं, सिहाबा मौजूद हैं, सिहाबा के गुरु ने जब देखा मेरे मुस्तफा के आसपास बैठे हुए हैं कि मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊं, सिहाबा देखते हैं कि हजरत मुसअब बिन उमैर किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे थे और आज मोहब्बत ने इम्तिहान में डाला, मोहब्बत के इम्तिहान में किस तरह से वो किस हालत में आकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए हैं। मेरे दोस्तों भाइयों यहां तक नहीं बात रही बल्कि वहां पर एक गजबे के अंदर मेरे मुस्तफा के सामने अपने सीने को सामने कर देते हैं और अपने सीने के ऊपर तीरों को पेवस्त करवा रहे हैं और नेजों और भालों के जख्म खा रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा की तरफ एक तीर भी नहीं आने दे रहे और वहां पर जाकर शहीद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों देखिए कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह की जिंदगी को छोड़कर, किस तरह की जिंदगी को तर्क करके मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में और इश्क में किस तरह से सादिक रहे, किस तरह से सच्चे रहे कि उन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी को तर्क करके अपनी आखिरत की जिंदगी को आबाद कर लिया।